जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1746 पोस्ट पर निकाली है एंड इसके फॉर्म आप लोग 4 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की पूरी जानकारी यहां पर भी आ जाएगी एंड आपको जानने को मिलेगा कि 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड देन आपको टू रजिस्टर क्लिक यार इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप पहले तो इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद में आपको प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री करना है एंड देन फिर आप यहां पर राशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और उसके बाद में आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, और फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं करने के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन फिर मंथ और उसके बाद में डे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और फिर गाइज आप यहां पर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आप डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए एंड देन गाइज यहां पर आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए, पहले मोबाइल वाला ओटीपी डालिए और वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए एंड देन फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल लीजिए और यहां पर वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज यहां पर आपको डिक्लेरेशन में नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी अभी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है, आप इन सभी के ऊपर टिक कीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है, आप यहां से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में आपको यहां पर कांस्टेबल की पोस्ट पर क्लिक करना है, जो आपको यहां पर टैब देखने को मिल रही है। फिर आप यहां पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपकी जानकारी फैच की जा रही है, तो यहां पर इसको होने दे। और फिर आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आना है और कुछ जानकारी आप देख सकते हैं कि आपकी राशन की यहां पर आ चुकी है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहां पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहां पर आपका स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहां पर मदर नेम एंटर करना है और ये नाम भी आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको यहां पर आपका नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है इंडियन, और फिर पूछा कि आर यू डोमिसाइल पंजाब, यानी कि क्या पंजाब के निवासी है, अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो आप यस करने के बाद में आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC BC अदर वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा है कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन, जनरल डिपेंडेंट, वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल या फिर वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी में वो कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उस निशान के बारे में लिख दीजिए, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है जिसके आपकी बॉडी की पहचान हो सके तो आप यहां पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आते हैं डू यू वांट टू यूज योर पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, अगर आप आपका पैन कार्ड आइडेंटिटी के रूप में अपनी यूज करना चाहते हैं तो आप यस करिए, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यस करने पर फिर आपको पैन कार्ड का नंबर और जो नाम आपका पैन कार्ड में है वही आपको देना होगा। सेम सवाल पूछा कि क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपनी आइडेंटिटी जताने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या फिर आप अपनी आईडी को देना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा कि इन
इनमें से जो भी आईडी आपके पास है उसमें यस कर दे, और फिर यस करने के बाद में उस जो जानकारी आपसे मांगी है वो दे दे, एंड जो आईडी नहीं है उसमें नो कर दे। और इसमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडी है तो आप उसमें यस करके अपनी जानकारी भर दे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करें और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं एडिशनल डिटेल के सेक्शन में, जहाँ पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप इंप्लॉई है पंजाब गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी किसी आप क्रिमिनल केस में अरेस्ट या डिटेंड किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इन सभी में बेसिकली मैं आपको प्रिफेयर करूंगा कि आप नो करें, और फिर भी आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नो करना है, एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आता है आपके सामने एड्रेस। तो जो आपका एड्रेस है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट टू के अंदर जो भी आपका एड्रेस है लिख देना है। फिर यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एंड देन फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस करिए, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देने के बाद में नीचे की तरफ एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाय कैंडिडेट, यानी कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सी है। अगर इनमें है तो इनमें से सिलेक्ट कर ले, अगर आप अदर स्टेट से है तो आप अदर स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले है कि हैव यू पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज। बेसिकली है कि क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ा है, या फिर किसी ऐसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ा है जो कि आपने पास की हो। अगर हाँ तो आप यहाँ पर बताइए यस करके, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि अन्य स्टेट के लिए या फिर जो पंजाब के उनके लिए यही कंडीशन है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, कोर्स टाइप ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो आपने किस तरह से पढ़ा है, कंपलसरी सब्जेक्ट था आपके पास 10वीं के अंदर तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास 10वीं में इलेक्टिव सब्जेक्ट था पंजाबी तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर अगर आपने कोई अन्य पंजाबी एग्जाम पास किया तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप बताइए कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है, किस स्कूल के द्वारा पास किया है, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड। मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर किस साल के अंदर आपने पास की है 10वीं, वो साल आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पर आपके 12वीं का बोर्ड का नाम देंगे कि आपने किस बोर्ड से 12वीं की है। फिर आपको सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो भी है वो की है। फिर किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको मेथड सेलेक्ट कर लेना है, अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहां पर डालिए, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल कीजिए, और इसके बाद में किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। फिर एक कैडरे प्रेफरेंस, पहली चॉइस आप किस कैडरे को देना चाहते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, और इस तरह से जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एंड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रेफरेंस। तो पहली चॉइस आप किस डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं, थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है, फोर्थ चॉइस किसको देनी है, इस तरह से आपको ये चॉइसेस सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जहां पर आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना होगा, तो क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहां पर आपको देख लेना है कि आपका फोटो जो अपलोड करेंगे उसका साइज 80 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, एंड यहां पर जो आपका फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहां से इसको क्लोज कर दे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर ले। फिर आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड देन यहां पर ये भी फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहां पर आपका 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, तो जहां पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, और जान लीजिए कि आपके फोटो का जो आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG, JPG या फिर PDF, और साइज 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहां पर भी फाइल है आपकी मार्कशीट की वो आपको यहां पर
सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, आपकी फाइल अपलोड होगी, आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर दीजिए। फिर आप 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा भी की जानकारी भरी थी तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है अगर आपने पंजाबी को वन ऑफ सब्जेक्ट 10वीं के अंदर पढ़ा है। फिर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एंड अगर आपने आधार कार्ड के ऑप्शन में यस किया था तो आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे कि किस माध्यम से आपको फीस जमा करनी है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी उनको सभी को चेक कर लेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है, आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, भारत QR, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड देन गाइज इस तरह से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और इस तरह से आपका आप ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।